मातरम आज भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त महानगर वासियों को आज बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस 74 वर्षों में हर भारतवासी ने जिस तरह भारत के संविधान की रक्षा का संकल्प लिया था, आज हम उसको पूरा कर रहे हैं। परिणाम आज हम परमाणु शक्ति के साथ साथ विश्व के अंदर अपने आप को दूसरे स्थान पर ला रहे हैं। कई क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो उत्पादन का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर जगह आज भारत अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है। भारत की संस्कृति की रक्षा करते हुए आज हम पूरे भारतवासी, चाहे उसमें माताएं हैं, बहनें हैं, युवा हैं, हर व्यक्ति ने मिलकर जो योगदान दिया है उसके लिए आज हम भारत माता के उन वीर सपूतों को याद करते हैं, नमन करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए ये सपना देखा था, भारत को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने प्राणों की आहुति दी। आओ हम सब मिलकर नए भारत के निर्माण में आगे बढ़े और भारत को विश्व के अंदर जैसे पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, एक बार फिर भारत अपने संपन्न संसाधनों के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को साथ लेकर हम लोग विश्व के अंदर अपना स्थान बनाए, यही मेरा संकल्प है, यही मेरी शुभकामना है। वंदे मातरम।